जल्दी से मेरे सीट पे बैठने से पहले सभी लोग वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर दें सब्सक्राइब, क्योंकि आज मैं और हमेशा ही मैं जो करता हूँ वो थोड़ा अलग है भैया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पावर स्टडी चैनल में। और आज मैं आपको डिफरेंस बताने वाला हूँ एक्टिवा 5G और 6G के बारे में। ये 5G है, ये 6G है, ये दोनों खड़ी हैं और ये इन दोनों का वर्सेस मुकाबला होने वाला है। बहुत रोमांचक मुकाबला रहेगा ये, और हर तरीके से इंजन से लेकर स्पेसिफिकेशन से लेकर टेक्नोलॉजी से लेकर क्या दोनों में कमी है क्या है, देखो दोनों बराबर नहीं है, चाहे वो पैर की बात हो चाहे सिर की बात हो, ओवरऑल बॉडी में हर चीज़ में डिफरेंस है इस गाड़ी के, और रेट में भी काफ़ी डिफरेंस है। तो चिंता मत कीजिए, 5G ज़्यादा बेटर है या 6G ज़्यादा बेटर है, ये आज हम आपको बता के रहेंगे। वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। अगर आपको इंजन की बात करें और पोल्यूशन कम करने की बात करें तो भैया 6G जीत जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, 5G भी कोई रातों रात ख़राब होने वाली गाड़ी नहीं है। एक रात में कोई BS4 इंजन बिल्कुल ख़राब नहीं हो गया। बाकी चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, आई होप आपको पसंद आएगी। और चलिए शुरू करते हैं, और जब तक के लिए बने रहिए चैनल पर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। और जब से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लहराते हुए, और देखिए क्या डिफरेंस है, थोड़ा गाएंगे और थोड़ा सुनाएंगे। ये जो डिफरेंस है गाड़ी के अंदर, जैसे डिफरेंस बिटवीन व्हील एंड फ्रंट लुक, देखो जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए 6G के हैं टायर 12 इंच की और 5G के टायर हैं 10 इंच की, और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है 6G का, यानी कि टेलीस्कोपिक कंफर्टेबल सस्पेंशन है 6G। 6G इज मोर कंफर्टेबल देन 5G, 5G से ज़्यादा कंफर्टेबल है 6G फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के कारण। टायर बड़ा है तो इसीलिए और ज़्यादा कंफर्ट आपको मिलेगा और स्लिप होने का खतरा कम हो जाएगा 5G के मुकाबले में। इस चीज़ में 5G थोड़ा मतलब पीछे है 6G से, तो जो लोग कंफर्ट देख रहे हैं गाड़ी के अंदर और सिक्योरिटी देख रहे हैं वो 6G की ओर जाइए, चिंता मत कीजिए, गाड़ी इतनी भी बेकार नहीं है। और अगर हम बात करें डिफरेंस इन मीटर और फंक्शन के बारे में, तो दोस्तों सबसे पहले 5G के मीटर के बारे में बता देते हैं। ये 5G का टॉप मॉडल है और 6G का भी टॉप मॉडल है, दोनों के हम कंपैरिजन कर रहे हैं। देखिए 5G के टॉप मॉडल में आपको सेमी डिजिटल मीटर मिलता है, जिसके अंदर आपको इको मोड है। डिजिटल मीटर में आपको किलोमीटर, फ्यूल टैंक पर ट्रिप का अलग किलोमीटर टाइम आता है, अच्छा सा अट्रैक्टिव लाइट है, स्पीडोमीटर आता है, और BS4 इंजन है तो इंडिकेटर वगैरह आप देख ही रहे हो, ये सब ऐसा लुक आता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं BS6 के मीटर के बारे में, तो सर इसमें डिजिटल मीटर नहीं दिया है कंपनी ने। जी हाँ, ये डीलक्स मॉडल आपके आगे खड़ा है, इसके अंदर एक इंडिकेटर ऐसे हैं, नॉर्मल एनालॉग मीटर है किलोमीटर बस। इसके अंदर एक चीज़ एक्स्ट्रा है, वो है इसका मालवेयर इंडिकेटर, यानी कि जो येलो कलर का ये जो बॉक्स आप देख रहे हो जलता है स्टार्टिंग होने से गाड़ी के, जो ऑटोमेटिक पता लगा था। और देखिए सेल्फ का बटन भी नहीं है गाड़ी के अंदर, वही इंजन कट ऑफ है, वही सेल्फ है, कंबाइंड बटन है। अगर हम बात करें डिफरेंस ऑन रियल लुक, रियर लुक जो पीछे का लुक है गाड़ी का, 5G का लुक देखिए ऐसी लगती है। ये लुक के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, ये आपकी पसंद है 5G का लुक ऐसा है, और 6G का लुक फ्यूल टैंक के साथ थोड़ा ऐसा है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 19-20 का डिफरेंस है, लगभग दोनों बराबर हैं, बस फ्यूल टैंक की वजह से चेंज है। और अगर अब हम बात करते हैं अंडर सीट स्टोरेज की, तो जी हाँ चलिए शुरू करते हैं, पहले 6G का ही देख लेते हैं, क्योंकि 6G के अंदर थोड़ा ज़्यादा है, यानी कि 1 लीटर ज़्यादा स्पेस एडजस्ट किया गया है 6G के अंदर। लोग पाया गया कि 19 लीटर का अंडर सीट स्टोरेज है, जरा देख लेते हैं कैसी सिटिंग अरेंजमेंट है उसके अंदर की, कैसा दिखता है वो अंडर सीट स्टोरेज। एक मिनट खोल दूँ पहले, बिना खोले ही बोले देता हूँ, कोई बात नहीं दोस्तों, थोड़ा बहुत हो जाता है ऐसे ऊपर नीचे, घबराइए मत, लेकिन एक्यूरेट जानकारी आपको मिल रही है आपकी आंखों के आगे, सुनिए भी कानों से और देखिए भी आंखों से। ये देखिए इसका टूटू से निकला हुआ ना, वो थोड़ा दबा दिया, इस वजह से इसका 1 लीटर स्पेस बढ़ चुका है। और इसका भी स्पेस देख लीजिए, इसका फ्यूल टैंक आपको पीछे ही मिल जाएगा सीट खोलने के बाद ही, बस इस वजह से थोड़ा सा सीट स्टोरेज, और ये जो ऊपर जो ज़्यादा उठा हुआ है ना, इसकी वजह से इसका हल्का सा स्पेस कम हुआ है। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो ज़्यादा खास है, इसके अंदर आपको फ़ोन चार्जिंग कैपेसिटी मिल जाती है, आप फ़ोन चार्ज कर सकते हो 5G में, और 6G के अंदर आप मोबाइल चार्ज नहीं कर सकते। तो दोस्तों फ़ोन चार्ज करने वालों के लिए 6G बेहतर नहीं है, बल्कि 5G बेहतर है। देख लीजिए दोनों का फ्यूल टैंक, बस फ्यूल टैंक अंदर बाहर है और कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन फ्यूल टेक्नोलॉजी में 5G चार्जिंग कैपेसिटी रखती है, 6G नहीं है। तो देखिए जैसे कि कुछ फीचर हैं, इंजन परफॉर्मेंस दोनों की लगभग सेम है, बट कार्बोरेटर होने के कारण 5G की परफॉर्मेंस हल्की सी 0.001% ज़्यादा है 6G से पावर के मुकाबले में, लेकिन माइलेज के मुकाबले में 6G ज़्यादा बेटर है।
आपको जो 6G का टॉप मॉडल है वो 77,000 का अप्रॉक्स पड़ जाएगा ऑन रोड ओवरऑल दिल्ली में, और 67,800 का 5G का पड़ेगा। तो देख लीजिए आपको ये डिफरेंस है रेट का। इस डिफरेंस में आपको 6G के अंदर से फ्यूल टैंक बाहर मिल रहा है, फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल रहा है और चार्जिंग स्लॉट नहीं मिल रहा है। तो लाइक कीजिए वीडियो, शेयर कीजिए वीडियो को और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद दोस्तों। और हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, बाकी की जानकारी के लिए जैसे बता दूं आपको मैं कि जो 5G और 6G में डिफरेंस है वो फ्यूल टैंक भी बाहर है आपका। 6G के अंदर फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम है, 6G BS6 इंजन है, 6G 1 अप्रैल के बाद बिकने वाली गाड़ी है, 5G आपको 31 मार्च के बाद नहीं मिलने वाली। लास्ट आपने अगर 31 मार्च को भी इंस्टॉलेशन हो गया तो आप वो गाड़ी चला सकते हो, वरना गाड़ी नहीं चला सकते बिकॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लॉ एंड ऑर्डर्स इंडिया के। इस वजह से 5G भी बेहतर गाड़ी है, बहुत ज़्यादा बेहतर गाड़ी है। अगर उस बजट रेंज में देखोगे तो 5G से बढ़िया कोई गाड़ी नहीं है। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा 10,000 रुपये खर्च कर रहे हो तो आप देखिए वो गाड़ी के अंदर क्या मिल रहा है आपको। टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन मिल रहा है आपको, ट्यूबलेस टायर तो खैर बराबर है, लेकिन हाँ व्हील साइज़ आपको बड़ा मिल रहा है, आपको फ्यूल टैंक बाहर से मिल रहा है, फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम मिल रहा है, और बस ये 2-3 चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा मिल रही हैं आपको। और जो चीज़ नहीं मिल रही वो है चार्जिंग स्लॉट नहीं मिल रहा आपको, डिजिटल मीटर नहीं मिल रहा गाड़ी के अंदर, और रेट कम नहीं मिल रहा आपको गाड़ी के अंदर। तो बस इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जाइए गाड़ियों की लीजिए। दोनों ही गाड़ियां बराबर है अपने अपने रेट पे, बढ़िया बेहतरीन है क्योंकि दोनों ही जी सीरीज़ में है, वो 110cc में दोनों की दोनों गाड़ियां। ओके सर, धन्यवाद। लेकिन हाँ, 6G में माइलेज ज़्यादा है और 5G में 0.001% कार्बोरेटर होने के कारण पावर हल्की सी ज़्यादा बेहतर मिलेगी आपको, लेकिन स्मूथ इंजन 6G का ज़्यादा मिलेगा आपको। ओके सर, धन्यवाद दोस्तों। लाइक आप सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो को फुल जानकारी लेने के।